अपनी मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए निजी बस ऑपरेटरों ने बसों के पहिए जाम रखे और बसें नहीं चलाई। हमीरपुर में भी आज करीब 400 बस रूटों पर बसें नहीं चलाई गई। वहीं हमीरपुर बस ऑपरेटर यूनियन के आरटीओ कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और एचआरटीसी की बसों में ओवरलोडिंग करने की शिकायत की तो जेएनयूआरएम की बसों को चलाए जाने पर कानून की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। निजी बस ऑपरेटर यूनियन नरेश कुमार दर्जी ने बताया कि निजी बसों की हड़ताल के चलते एचआरटीसी बसों में ओवरलोडिंग कर सवारियां ढोई जा रही हैं और उनके चालान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नीली बसों को ना चलाए जाएं क्योंकि हाईकोर्ट ने उन पर रोक लगाई है। दर्जी ने बताया कि एक दिन बाद बसों को बस अड्डे पर खड़ा कर दिया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। आज जो हमारी जितनी निजी प्राइवेट बसें हैं 450 के करीब है, वो सभी खड़ी हुई हैं और सरकार को हम दो दिन के लिए जो शांतिपूर्वक जो है अपना चक्का जाम करेंगे। अगर सरकार ठीक ढंग से शांति से नहीं मानती है तो जो है आने वाले कल के जो हम आप अपने जितने प्राइवेट बस यूनियन हैं वो इकट्ठी होकर अपना एक निर्णय लेंगे और जो बुधवार को जो है हम जितने भी प्राइवेट बस हैं अपनी बस अड्डे पे लाकर खड़ी कर देंगे और जितनी भी बसें जो सरकारी हैं उनको रोकेंगे और पूरा जो है पूरे हिमाचल को जो चक्का जाम करेंगे। थे कि जो एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया होता कि जो नीली बसें हैं जी एनआरयू तो उनका जो है वो क्लस्टर के बाहर नहीं चलेंगी। आज वो गाड़ियां जितनी भी खड़ी थी वो सब इन्होंने ओवरलोडिंग और हर जगह जगह भेज रहे हैं और इसने जो कानून की जो इन्होंने लोगों ने जो है एचआरटीसी द्वारा सरकार द्वारा धज्जी उड़ाई है। कानून इनके आगे कुछ नहीं है, सरकार के आगे कानून खुद बनाती है और खुद ही बिगाड़ती है। सरकार से कहीं ना कहीं बातचीत चली है कि कुछ नहीं है? सरकार से बातचीत हो रही थी, इन्होंने आज तक आश्वासन ही दिया। यही समस्या, या तो हमारी मांगे जो है उस या तो हमारा किराया बढ़ा जाए या फिर बैठा हटाया जाए, ठीक है। और जब तक ये जो रूलर गाड़ियां चलती हैं, पहले भी सरकार आई थी उन्होंने रूलर रोड के जो है टैक्स माफ किए थे, तो हमारी एक मांग वो भी है कि जब तक रोड सही नहीं होते तो हमारा टैक्स पहले की तरह जो माफ किया है। आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि निजी बसों की हड़ताल से सवारियों को समस्या ना हो तो ईडीएम एचआरटीसी से बात करके बसें चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और ऐसे करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं नीली बसों के चलने पर आरंभ से बातचीत करके कुछ बताया जा सकता है। जो आज हड़ताल इन्होंने स्टार्ट की है इसके बारे में मेरी जो यहाँ के डीएम है उनसे मेरी बात हो रही है। कल रात को भी इसके बारे में चर्चा हुई कि हम कैसे इंतज़ाम करें कि जितनी जो हमारी सवारियाँ हैं वो पैसेंजर्स हैं वो सफ़र ना करें। तो जो मेरी डीएम साहब से बात हुई थी कि एचआरटीसी की मैक्सिमम बसेज जो है वो रूट्स पर लगाई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारे इंटरनल रूट्स हैं जो अंदर की तरफ हैं जहाँ लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ पर भी एक्स्ट्रा बसेज, हालांकि पूरी तरह से इनको रिप्लेस करने वाली बात तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास 375 रूट जो प्राइवेट यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि लोग जो हैं वो सफ़र ना करें। और जहाँ तक मेरी जो आज बात हुई है ऐसी भी कोई किसी की फ़ोन या किसी तरफ से कोई ऐसी मुझे नहीं मिली है कि जी बसेज नहीं जा रही हैं, तो अमूमन जो है रोड पर एचआरटीसी बसेज अप्लाई कर रही हैं। जहाँ तक ओवरलोडिंग का सवाल है, जहाँ मेरा ये मानना है कि इसके इस विषय पर मेरी पहले भी बात हुई है इनसे एचआरटीसी के ऑफिशियल से, यूजुअली ये ओवरलोडिंग को खुद ही सिस्टम प्रेफर नहीं करते क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो विद दी पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय है तो हमारी अपनी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि बस को ओवरलोड ना किया जाए। इक्का दुक्का कोई घटना ऐसी हो सकती है, जैसे मुझे कोई बता रहे थे तो वो कोई कॉलेज के छात्रों का एक फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया, वो एक हो सकती है, लेकिन जहाँ तक सवारियाँ जो एक सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ओवरलोडिंग को तो एचआरटीसी भी प्रेफर नहीं करेंगी और इसको कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता है। और जहाँ तक ये ब्लू बसेज का सवाल है तो इसके बारे में मैं डीएम साहब से बात कर लूँगा। मे बी एज ए एमरजेंसी मेज़र जो है, क्योंकि काफ़ी बसेज जो हैं प्राइवेट रूट्स पे काम नहीं कर रही हैं, तो अब उनको रिकूप करने के लिए इन बसेज को फॉर द टाइम बीइंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ज़रूर इसको इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश की होगी, ऐसा अदरवाइज कोई ऐसी कोई नहीं है। फिर भी मैं बात करूँगा कि ऐसी प्रोविजंस जो उन्होंने किए हैं तो क्या स्थिति को, क्योंकि स्थिति तो सबके सामने ही है, इतनी सारी बसेज जो हैं वो अप्लाई नहीं कर रही हैं तो हमें अरेंजमेंट्स करने हैं, तो मे बी एचआरटीसी ने उसी परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ किया होगा।